Assalamualaikum. We are doing papers, past papers on kinematics. और आप लोग कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर लीजिएगा. हम लोग पहला क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19. अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो उसमें यूनिट नंबर 20 है. अगर आपके पास वो पिंक वाली बुक है तो यूनिट नंबर 20 है. सर, हमने रेडियन मोड क्यों ऑन किया? जब भी कैलकुलेटर में रेडियन मोड सॉरी जब भी काइनेमेटिक्स करते हैं जब भी हम रेडियन मोड में असल में जब कैलकुलेट जब ये होता है ना क्या उसे कहते हैं जब पेपर में ये सवाल आता है काइनेमेटिक्स का तो काइनेमेटिक्स में कैलकुलेटर हमेशा रेडियन मोड में होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री अब जब इस चैप्टर में आएगी तो कैलकुलेटर को रेड मोड में शिफ्ट कर दें. सब लोग ईयर नंबर नोट कर लीजिएगा, नवंबर 2010 21 12. ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री मोड में होना चाहिए. नहीं, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ना. ट्रिग्नोमेट्री जब काइनेमेटिक्स में आती है तो उसमें हमेशा रेडियन मोड होता है. कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखते हैं व्हेन trigonometry comes in kinematics, when it comes in integration, when it comes अगर अकेला आए question with no trigonometry तब भी mode में रखते हैं? नहीं, तब तो degree mode है, तब तो degree mode रहेगा. radian mode का फर्क पड़ता ही असल में trigonometry में है ना. so ये बाकी लोग भी अच्छे से याद कर लो आप लोग चाहो तो इसको कहीं लिख भी सकते हो कि when trigonometry comes in integration, when it comes in differentiation, when it comes in particle mechanics, it is always in radian mode. चलो अब आप लोग ये वाला ईयर नंबर निकाल लो. ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिए. आप चाहें तो क्वेश्चन यहाँ से देख लें, सबसे बेहतर तो अपनी बुक निकालें. और पास पेपर की बुक अगर आपके पास है तो ये वाला ईयर नंबर है, ये वाला. ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को सामने रख लें तो लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट एट टाइम टी सेकंड आफ्टर पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इट्स वेलोसिटी इज दिस. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट पासिस ओ. जब कोई पार्टिकल ओ से गुजरता है, जाहिर है वन मार्क का क्वेश्चन है, जब कोई पार्टिकल ओ से गुजरता है तो वहां पर क्या होगा. जब कोई पार्टिकल ओ से गुजरेगा तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा. पोजीशन ओ, ये जो पोजीशन है यहां पर होता ये है कि इस पोजीशन पे असल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है.
तो तुम शुरू कैसे करोगे? मुझे ओ के लिए डिस्टेंस जीरो पता है, वेलोसिटी निकालनी है, तो अब मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले क्या करूं कि मैं वेलोसिटी की इक्वेशन में जाऊं, उस पे मैं टी जीरो करूं, क्योंकि शुरू में टी जीरो होगा, उसको रखूं और सॉल्व कर दूं। सिंपल, आपको एक स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन करना है। सर कंपैरेटिवली एड मैथ ज्यादा स्कोरिंग होता है या मैथ्स? ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट पढ़ो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी इज इक्वल टू 5। बताओ अगर वेलोसिटी डी वी है तो एक्सेलरेशन आएगा कैसे? अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो बताओ एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे? डिफरेंशिएट। सही है, डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो 6t है वो खाली 6 बन जाएगा, cos को डिफरेंशिएट करें तो sin आएगा, बराबर में एंगल का डेरिवेटिव आएगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन में जाकर t को 5 रखें और सॉल्व कर दें। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना चाहिए।
द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. पेपर में ये बहुत कम लोगों से हुआ था, पार्ट नंबर 3. ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको जरा पढ़िएगा. और ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि आप एक्सेलरेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो जरा सोचें और बताइएगा मैं क्या करूं. प्लान कोई है तो बताए. और सिर्फ एक नंबर है. पहले हमें टी को जीरो लेकर एक्सेलरेशन होनी चाहिए और उसको कंपेयर करेंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं, उसका मसला ये है, पहले वी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, जीरो कर भी देंगे तो उसका वी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के मैक्सिमम होने का मतलब वैसे ये होता है कि वी जीरो है. जीरो का तो जीरो करेंगे, वी पे डालेंगे तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी. उसको पार्ट टू वाले से कंपेयर करें और दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, या फिर नहीं, इट्स जस्ट माय मतलब देख ले, ये एक सजेशन है, लेकिन ये इट्स अ गुड आईडिया, बट ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है. छोटा सा कोई सॉल्यूशन सोचें, क्योंकि अगर मैं वी को जीरो कर दूं तो फिर मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकता ना. डिफरेंशिएट ऑलरेडी हुआ हुआ है मेरे पास. मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन पिछले पार्ट में पड़ी हुई है. अच्छा सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, वी को जीरो कर दें, दो टी की वैल्यू आएंगे, दोनों टी पे रख के एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सेलरेशन आएगी वो मेंशन कर देंगे. देखो, ये वही प्लान है जैसे एक बच्चे ने पहले बताया, इट्स अ गुड प्लान, लेकिन पहले इस बात को समझिएगा कि अगर आप वी को जीरो कर देंगे ना, ट्राई करके देखें जरा, सवाल बहुत सोच के बना हुआ है. अगर आप वी को जीरो करेंगे तब टी निकलेगा नहीं. अगर आप लोग जरा इसको ट्राई करें, इट्स अ गुड आइडिया. मतलब आंसर का ही हमने ढूंढा हुआ हो, क्या पता पार्ट टू का ही हो, इज इट पॉसिबल? नहीं, पार्ट टू में फिर हमें कोई लिंक ढूंढना पड़ेगा ना, पार्ट टू में क्यों लिखें. लेकिन अगर मैं, जैसे एक बच्चे ने सही कहा कि जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है. लेकिन सवाल में ट्रिक ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को जीरो कर दूं तो मैं सॉल्व करके टी नहीं निकाल सकता. अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन तुम लोगों ने अभी बनाई. देखो ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 6 - 8 साइन थीटा साइन 2t. देखो ये वाली इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है. अब तुम इसमें गौर से देखो कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, साइन. हमने पिछले दिनों ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन की थी, वहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन या कॉस, इनकी वैल्यूज ऊपर और नीचे कितना जा सकती है. जो आपको याद है, मैंने स्केचेस भी कॉपी करवाए थे, तो अगर किसी की मेमोरी में है तो बताओ, साइन का स्केच, साइन का फंक्शन का जो स्केच है वो ऊपर कहाँ तक, वाई एक्सिस पे किस नंबर तक जा सकता है, 1 + 1 + 1 तक, और नीचे कहाँ तक आ सकता है, -1 - 1. तो अब ये लॉजिक है जो इस सवाल में समझनी है. देखो ये फंक्शन है माइनस साइन का, ये स्केच है, और ये है साइन थीटा का स्केच, ये रटे होने चाहिए. ये इसका मैक्स है, ये इसका मिनिमम है. और अगर माइनस साइन थीटा हो तो उल्टा हो जाता है, -1 मैक्स है और मिनिमम
वन है। अब आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट, जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ से अराइज करता है। अब अगर ये लॉजिक आपको सबको अच्छे से देख लो तो फिर इस सवाल को करना बहुत आसान है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। सवाल भी एक नंबर का है, तो आप एग्जामिनर को कन्विंस करोगे कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ऊपर जाता है वन तक, नीचे जाता है माइनस वन तक, तो हम क्या करें, हम मैक्सिमम के लिए माइनस वन रखते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट निकलता है, बराबर में उसका स्केच भी बनाया मैंने, स्केच उसने मांगा नहीं है, सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं। सब लोग अब ये वर्किंग शेयर करें। साथ में स्केच भी बना लीजिएगा, सब लोग अपने माइक किजन नहीं है मम्मा, आप आ जाओ, बार बार बदतमीजी करता है रूम में आके। सब लोग अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखिएगा, जब आपको कोई सवाल पूछना हो तो माइक खोल ले। और ये बार बार है ना, सबको बदवाई नहीं दिया करो, ये मुझे करेगा तो मार दिया, बदवाई नहीं दिया। देखें अब हम इसमें प्रोसीड कर रहे हैं, पार्ट नंबर फोर। देखो पार्ट नंबर फोर पढ़ो, द डिस्टेंस। अरे एक मिनट बैक कर दें, सॉरी एक बैक कर जाऊं, ग्राफ बनाना है। चलें अब सब लोग अगला पार्ट पढ़ें। पढ़ो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फिफ्थ सेकेंड, पांचवें सेकेंड के दौरान ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर जाएगा। अब पहले आप ये करते हैं कि एग्जामिनर को डेटा बना के दिखाते हैं, मुझे डिस्टेंस निकालना है फिफ्थ सेकंड में, तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस निकालूं t इज इक्वल टू 5 पे, डिस्टेंस निकालूं t इज इक्वल टू 4 पे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं इस तरह सोचूंगा कि मुझे असल में फिफ्थ सेकंड में जाना है। तो फिफ्थ सेकंड में जाने के लिए ये मेरी अप्रोच है। अब ये वाली अप्रोच कॉपी करें, डिस्टेंस की इक्वेशन भी चाहिए होगी।
सर हम डिस्टेंस को टी फोर पे क्यों ढूंढेंगे? पढ़ो सवाल पढ़ो, डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकेंड, सिर्फ पांचवें सेकंड के दौरान, तो पांचवा सेकंड कौन सा होगा? पांचवा सेकंड होगा t इज इक्वल टू 4 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक, फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड सोचो। अब आप सबसे पहले डिस्टेंस की इक्वेशन बनाओ। डिस्टेंस की इक्वेशन कैसे बनेगी? वेलोसिटी की तो है मेरे पास, उसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। जब तुम t को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2, cos को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है, लेकिन डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव है, सिंपलीफाई कर दो। फिर एक मर्तबा इसमें x को जीरो करो ताकि c निकले, जब भी इंटीग्रेट करें याद रखिएगा उसमें c आता है, c को आपने t जीरो किया, x जीरो किया, c निकाल लिया, सी आ रहा है जीरो, सी वापिस रख दो और इक्वेशन बनाओ। पहले इक्वेशन वाला स्टेप कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लो। बोले अब इसमें जो लोग कंप्लीट कर लें वो अभी देखिएगा कि आप पहले तो डिस्टेंस की इक्वेशन, देखो आप इसमें देखो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 2t, यहां तक आ गए ना, तो अब यहां से आगे चलो और देखो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 साइन 2t,
पहले मैंने टी की जगह 4 रखा, एक्स वन आ गया, 5 रखा, एक्स टू आ गया, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि इस ड्यूरेशन में कितना ट्रेवल हुआ माइनस करके। ये वाली वर्किंग देखें सही, जब हम ये टी कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तब डिग्री मोड में होना चाहिए या रेडियन? नहीं, मैंने बताया ना इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेटर रेड मोड में होगा, पूरे चैप्टर में। तो सर दो डिस्टेंस निकाल के, हाँ बोलो सर, जब मैं वो डिस्टेंस के इक्वेशन में से 4 डाल लूं तो 55.2 आ रहा है कैलकुलेटर में, और 5 तो 84 आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग। आप जब तुम टी की जगह क्या डाल रहे हो, 4? हाँ सर, तो पहले 55.2 सबसे पहले 4 × 2 = 8 हो जाएगा। यस सर। फिर साइन 8 निकालो, देखो साइन 8 निकालो, तुम्हारा कैलकुलेटर कैलकुलेटर रेडियन मोड में है ना? यस सर, रेडियन। तो साइन 8 इनटू 2 करो, फिर उसमें प्लस कर दो, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 16 × 3 48, तो उसमें 48 ऐड करो, देखो क्या आता है। हाँ सर सही आ गया, पता है सर डायरेक्टली टीम में डाल दें। हाँ, तो पहले 3 × 2 भी होगा ना। चलो अब आप देखो June 2010 ईयर नंबर नोट कर लो, जून, इसमें एलएन की प्रैक्टिस हो रही है, June 2010 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग ये अगला ईयर नंबर नोट कर लो। सर मैथ ज्यादा स्कोरिंग होता है या फिर मैथमेटिक्स? जाहिर है स्कोरिंग है क्योंकि मैथमेटिक्स में लोग ज्यादा होते हैं। सीआई का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे बैठते हैं उसमें ग्रेड लाने का चांस भी ज्यादा होता है। एडमैथ्स में रिलेटिवली कम बच्चे होते हैं तो इसलिए उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, प्लस एडमैथ्स में चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है, दे आर मोर डिमांडिंग इन एडमैथ्स कंपेयर टू मैथ्स। सो मैथ्स में हमेशा ज्यादा ग्रेड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक, अगर आप बुक यूज कर रहे हो तो 18 है, अगर आप पास पेपर की कोई और बुक यूज कर रहे हो तो जून 10 पेपर 1-2 11। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए ताकि आप उसको जब देखोगे साथ साथ वो खुला रहेगा। चलो 11, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ ऑन द लाइन एट टाइम टी सेकेंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज 48 मीटर। पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज 48। अब ये सवाल सिंपल है क्योंकि एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई है 48 और मुझे निकालना है टी, टी का मतलब है टाइम। तो पहला पार्ट आपको बस डेटा पुट करना है और सॉल्व करना है, एलएन का ख्याल रखना है। आपने 48 रखा, 12 को वहां शिफ्ट किया, जब जब एक साइड से एलएन हटाते हैं तो दूसरी साइड पे ई आता है, उसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके टी निकाल दें।
सर कैन यू प्लीज रीशो द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आप या तो अपनी बुक में खोल लो या फिर वो जो ऐप है ये वाला क्वेश्चन है, देखें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब सब लोग अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लें तो हम पार्ट टू डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी इज इक्वल टू वन। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आती है? इंटीग्रेट करेंगे सर। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आती है, इंटीग्रेट करूं या डिफरेंशिएट करूं? तो अब आप वही स्टेप करो, आपके पास डिफरेंशिएट, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। चलो अब देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन की तरफ गया। अच्छा, अब जब ln आ जाता है किसी सवाल में, जब किसी क्वेश्चन में ln होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते कैसे, मैंने आपको रूल सिखाया था ना, रूल दोबारा मैंने लिखा है। जब ln इन्वॉल्व होता है तो ऊपर रखते हैं डेरिवेटिव और नीचे रखते हैं फंक्शन। डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, ये है डिफरेंशिएशन। ऐसे कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए कि ln को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये था कि ऊपर रखें डेरिवेटिव, नीचे रखें फंक्शन और सॉल्व कर दें। इसी वर्किंग को शेयर कर लें। अब देखो, मैंने डिफरेंशिएट किया, ऊपर मैंने लिखा 2 जो कि डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन, सिंपलीफाई किया, वेलोसिटी बन गई, t इज इक्वल टू 1 रखा, वेलोसिटी निकाल ली जो कि उसने दिया था। ये वाली वर्किंग शेयर करें। सर जी बोले। सर 12 डिफरेंशिएट होके 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, 12 कोफिशिएंट है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो एज इट इज आता है, वो 12 तब जीरो होता अगर 12 यहां लिखा होता प्लस 12, तो अगर प्लस 12 होता तो फिर ऐसा होता। सर
सर ये जो आपने 4.8 का मीटर पर सेकंड माइनस वन लिखा है इसके मार्क्स होते हैं? नहीं एडमेस में इस पे मसला नहीं करते, अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी बात है लिखें, याद कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड यूनिट है वेलोसिटी की, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो कोई मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि जाहिर है सब लोग मार्क्स में नहीं, जाहिर है सब लोग तो फिजिक्स नहीं लेते ना, तो ये फिजिक्स की यूनिट है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी होती है, इस तरह वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। चलो अब तीसरा पार्ट पढ़ो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी इज इक्वल टू वन, आप इसको कंप्लीट करो और वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो व्हेन टी इज इक्वल टू वन। अब मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो नहीं है, मेरे पास तो है वेलोसिटी की इक्वेशन, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनेगा? देखो अब तुम ये बताओ कि अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो एक तरीका तो वो u अपॉन v वाला फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल, एक तरीका ये कि इसको ऊपर ले आओ, ऊपर 24 लिखा हुआ है, 24 ऐसे ही छोड़ दो, 2t प्लस 3 को ऊपर ले आओ, ऊपर लाओ तो पावर माइनस 1 हो जाएगी, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर पीछे जाती है और पावर में से 1 माइनस होता है, बराबर में ये रेड कलर का 2 क्यों है? क्योंकि ये असल में ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव है, इसको खोल दें और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएं। सर आपने कहा एक तो ये मेथड हो गया, फिर आपने कहा कि एक और मेथड भी होता है, वो कौन सा होता है? मैंने ये कहा कि वो नहीं लगेगा, वो जो यू अपॉन वी वाला मेथड नहीं होता, कोशेंट रूल, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कोशेंट रूल, यस वो वाला, तो वो वाला रूल जो है वो नहीं लग सकेगा इस सवाल में। वो क्यों? ऊपर टी, ऊपर नंबर है ना, खाली ऊपर खाली नंबर है, ऊपर लेटर नहीं है, देखो गौर से देखो, ऊपर जो है ना लेटर नहीं है, टी नहीं है, खाली नंबर है, तो अगर मैंने डिफरेंशिएट ऐसे करने की कोशिश की तो ऊपर जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर लेकर आया, अगर ऊपर भी टी होता तो फिर चल जाता। सर -1.92 आ रहा है, -1.92, हाँ गुड राइट आंसर, आंसर आ रहा है -1.92, जो इनके पास आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है।
चलो अब है, मैं रख रहा हूँ नवंबर 2009 पेपर 29, ईयर नंबर नोट करें सब लोग इसका, इस सवाल का, सब लोग इस क्वेश्चन का ईयर नंबर नोट करें, नवंबर 09 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9, ये वाली ये वाला क्वेश्चन निकालें। A particle moves in a straight line so that t second after passing through a fixed point O, its velocity is given by this equation. Find the velocity of the particle at O. अब सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो और फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम t जीरो कह देंगे। अब देखो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओ, ओ का मतलब तो यही है कि आप जब ओरिजिनल पे चलते हैं तो आप t को जीरो कर देते हैं, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं किसी चीज को तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि x जीरो है, t जीरो, v निकालना है। ऐसे डेटा बनाओ, पहले डेटा बनाओ और t की जगह जीरो रखो, सिंपल सी कैलकुलेशन कर दो। सर 1.25 आ रहे हैं, 1.25 मीटर पर सेकंड, राइट। यहाँ पे आपने x equal to zero लिखा है, यहाँ पे तो difference, ये आपकी आवाज नहीं आ रही सर, यहाँ पे आपने x equals to zero को लिखा है। वो तो जब भी आप कोई, जब देखो जब भी आप कोई जर्नी शुरू करते हो, whenever you start a journey your velocity x is equal to zero and t is equal to zero, तो जब आप O पर खड़े होते हैं जहां से आप शुरू कर रहे हैं तो x zero होगा, t भी zero होगा। The acceleration of the particle when t is equal to 3, ये जो equation आपको दिख रही है ये velocity की है, आप इसको रखकर acceleration निकालें और फिर t is equal to 3 कर दें। ये फिर वो एक बात discuss होगी कि इसको differentiate कैसे करें, ऊपर तो 20 है, अच्छा ऊपर t नहीं है तो फिर ये u upon v से नहीं होगा, आप क्या करें इसको bracket को ऊपर लाएं, ये minus 2 हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करें और वापस नीचे ले जाएं, t इज इक्वल टू 3 और एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा।
अब इसका तीसरा पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 8 सेकेंड. इन द फर्स्ट 8 सेकेंड, पहले 8 सेकेंड में आपको निकालना है, जो आपका फर्स्ट 8 सेकेंड है उसमें आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब ये आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन को ऐसा करते इंटीग्रेट कर लेते हैं. ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिस्टेंस ट्रेवल का सवाल आए always check for U-turn by putting V is equal to 0. तो v equals to zero डालने से हमारे पास दो टाइम आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा यूटर्न है. हमें कैसे पता चलेगा कि v equals to zero डालने पे हाँ यूटर्न है? अगर हम t की वैल्यू निकल आएगी ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ. अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये v की इक्वेशन है, पहले v को जीरो कर दो, v को जीरो करो और टाइम निकालो, आप देखो कि आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब यूटर्न नहीं है. तो v जीरो पे t निकल आए तो इसका मतलब होता है कि ये आंसर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यूटर्न है. फिर आप क्या करो, इसको ऊपर लाओ, इंटीग्रेट करो और उसमें फिर सी कैलकुलेट करो. पहले तो ऐसा करो कि यूटर्न कंफर्म कर लो. सबसे पहले आप लोग यूटर्न कंफर्म करो कि यूटर्न है या नहीं. अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि यूटर्न कैसे निकल कंफर्म करते, तरीका ये होता है, तरीका ये होता है कि आप यू टर्न के लिए वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं. ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, तो आप इक्वेशन में जाएं और इसको लिख दें.
ठीक है, अब इसको रखकर ये वाला पार्ट करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके सी आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ। अब देखो मैंने क्या किया, सी निकालने के लिए मैंने एक्स को जीरो रखा, टी को जीरो किया, सी निकाला, सी आ गया 2.5। फिर मेरे पास एक्स की इक्वेशन में 2.5 आ जाएगा सी की जगह, उसमें मैंने टी जीरो रखा, एट रखा, टेबल बनाया, डिस्टेंस आ गया। सब लोग ये वर्किंग कंप्लीट करें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। चले इसको कंप्लीट कर लें, फिर आज का काम यहीं पर खत्म है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्लीज रीसेंड मी द मैथ लिंक? क्या चीज? आप मुझे मैथ की लिंक वापस भेज सकते हैं? एक्चुअली जो आपने भेजी ना ओपन नहीं हो रही। देखो अभी भी तो आप इस क्लास में आई भी हो, अब देखो ना ये वही तो लिंक है, आप जो लिंक, देखो मेरा लिंक तो एक ही है, आप मैथ्स का, आप मैथ्स का ज़ूम का लिंक कह रही हो ना? सर मैथ्स का लिंक का मतलब क्या, आप ज़ूम का लिंक कह रही हो ना? सर मैथ्स का लिंक जो है आपने जैसे एडमिस का ना जिससे क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसे मैथ्स का भी होगा ना? एक ही है वो, मतलब सबका एक है, फिजिक्स हो मैथ हो, वो तो ज़ूम का लिंक है ना, तो आई एम यूजिंग द सेम लिंक फॉर ऑल क्लासेस। और सर वो जो मैथ्स में मैंने क्लासेस नहीं ली, लाइक जो आपने बोल रहे हैं आपने बड़े वाले चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो उसके आपने अपने YouTube चैनल पे सारे के वो रखे हैं लाइक ब्रीफ थिंग, ब्रीफ वीडियोस, उस मेरी फ्रेंड ने कहा वो सारे नहीं है, मैंने आपके पास YouTube लिंक है, मेरे पास आपका, मैं आपके पास मेरा YouTube चैनल है, आप चाहो तो उस पे देख सकते हो, सारे तो नहीं हो सकते, सारे तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन कुछ चैप्टर्स का है, पास्ट पेपर है, आप देख लो, आप बिल्कुल देख लो, आप चाहो तो एक दो क्लासेस ले लो, फिर आप डिसाइड कर लो, ठीक है? सर अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे पुराने लेक्चर्स की भी जरूरत है ना, लाइक प्रोबेबिलिटी मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल दैट, तो उनके उनके लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? फिर आप मुझे दे देंगे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना? अभी एक मरतबा चैनल देख लो मेरा,
जो है वो सारा उसी चैनल पे है, अलग से तो फिर जाहिर है कि टाइम इतना बचा ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होगा कुछ का है कुछ का नहीं है, आई विल ट्राई कि जो अवेलेबल हो, क्योंकि टाइम इतना कम है ना, बेसिकली तो कोई कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।